आपके चैनल को धन्यवाद जो है, जो आपका चैनल जो है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र को एक सितारों का जैसा बना के रखा हुआ, जो पूरे देश प्रदेश में दिखाता है कि महाराष्ट्र में एक राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ है जिसका मशाल राष्ट्रीय अध्यक्ष दयानंद भारत जी जलाए हुए हैं। हम लोग उम्मीद वही रखते हैं कि जितने भी अध्यक्ष आए हैं, उपाध्यक्ष कार्यकर्ता लोग रहे, उस मशाल को बुझने ना दे। जो हमारे साथ पनवेल के उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिदास जी भी यहाँ मौजूद है। हरिदास जी एक डॉक्टर है, अपना काम धंधा देखते हुए देखते समाज को भी समय देते हैं। जानना चाहेंगे अगली जो कमेटी बनेगी समाज को कहाँ तक लेके जाएगी, एक सामाजिक तौर पे समाज में उठते बैठते हैं। डॉक्टर जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है, और जानना चाहेंगे कि आने वाली कमेटी से आपकी क्या उम्मीदें पनवेल शाखा के लिए। पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद जो है, जो आपका चैनल जो है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र को एक सितारों का जैसा बना के रखा हुआ, जो पूरे देश प्रदेश में दिखाता है कि महाराष्ट्र में एक राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ है जिसका मशाल राष्ट्रीय अध्यक्ष दयानंद भारत जी जलाए हुए हैं। हम लोग उम्मीद वही रखते हैं कि जितने भी अध्यक्ष आए हैं, उपाध्यक्ष कार्यकर्ता लोग रहे, उस मशाल को बुझने ना दे। जो यही मेरी अपेक्षा रहती है, हम लोग इसी कर्मठ से काम करना चाहते हैं। कहने का मतलब है दयानंद जी जो ने एक मशाल एकता की मिसाल को मशाल जलाए हुए हैं, वो मशाल यूँ ही लगातार जलती रहनी चाहिए और लोग एक दूसरे से मिलते रहें ताकि समाज का विकास हो। ऐसी उपेक्षा हम लोग करते हैं कि जैसे मशाल राष्ट्रीय अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज ने जलाया है, वैसे हम लोग भी जलाते रहेंगे। और इनकी भी यही तमन्ना है, इसी तमन्ना पर इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, जैसे हमने किया है और लोगों ने किया और करते आए हैं, तो मशाल जलती रहे, हम आप लोगों के साथ में रहेंगे। जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।